हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो है ये वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड है, तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक कार है जो कि जिसका जो मास है वो 1500 किलोग्राम हमें गिवन है और वो वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हमें उस कार को रोकना है। उस कार को रोकने में हमें कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमें कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे कि फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आए। तो हमारे पास कोई एक कार है जिसका जो मास है 1500 किलोग्राम दिया हुआ है हमें। हमें ये मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये मूव कर रही है। हमें इसको रेस्ट में लेके आना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को, इस कार को रेस्ट में लेके आना है। रेस्ट पे लेके आना मीन्स इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मीन्स हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो करनी है। तो शुरू करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कार जो है, ये चल रही है किसी स्पीड के साथ, हम इसको रोक रहे हैं। मीन्स हमारा जो काम हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं, वो काम कहाँ जा रहा है, वो काम जा रहा है इस कार को रोकने के लिए। मीन्स इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, हम उस पर काम कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, इधर से धकेल रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। वो ब्रेक करके आ रही है, बेसिकली वो इसकी स्पीड को कम कर रही है। मीन्स वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रही है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ एम बी स्क्वायर। जब हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी मीन्स वो कितनी स्पीड पे चल रही है, जब हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं मीन्स कि हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। जब हमने इस कार पे वर्क लगाया, हम जो भी इस कार पे वर्क लगा रहे हैं वो वर्क कहाँ जा रहा है, वो वर्क कार को रोकने में यूज हो रहा है। मीन्स उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है हम जो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में जो भी चेंज हुआ वो किसके कारण हुआ, वो उसके कारण हुआ जो हमने ब्रेक लगाई थी, और ब्रेक लगाना ही हमारा वर्क डन है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारा सारा का सारा वर्क डन जो है वो कार की वेलोसिटी को कम करने में यूज हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल स्टेज में थी और माइनस काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल स्टेज में। इनिशियल वाली बड़ी ही होगी क्योंकि पहले किसी स्पीड पर चल रहा था और बाद में वो रुका है। मीन्स धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वी के स्क्वायर के। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, वेलोसिटी अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम। इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं कि वो v1 थी, v1 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हम मान रहे हैं कि v2 है। इसमें जो मास है वो कॉमन है और हाफ भी कॉमन है। अंदर बचा हमारे पास v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो हम वेलोसिटी यूज करते हैं वो मीटर पर सेकंड में होती है। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला काम है वेलोसिटी को चेंज करना। तो v1 हमारे पास है 60 किलोमीटर
इसको मीटर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हजार। इसे हजार से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम जो है वो डिवाइड में है, इसलिए इसको डिवाइड में रख रहे हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 18। और ये हो जाएगा 6 10 60 63 18। ये हो गया हमारे पास 50/3। तो इनिशियल वेलोसिटी जो v1 है वो हमारे पास आ गई है 50/3 का स्क्वायर माइनस v2। v2 जो है वो क्योंकि फाइनल में जाके ऑब्जेक्ट ने रुक ही जाना है, इसलिए v2 जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ये क्यों जीरो हुई है? क्योंकि फाइनल स्टेज में जाके जो हमारी कार है वो रुक गई है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो। हो गया हाफ मास की वैल्यू। मास कितना कार का? कार का मास है 1500 किलोग्राम। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 9। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 3 3 9, 3 5 15, आगे ये हो गया 250। हो गया हमारे पास 250 × 2500 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 208.33 किलो जूल। ये हमारा आ गया वर्क डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।